संविधान निर्माता बाबा साहेब अंबेडकर कोई व्यक्ति नहीं, कोई व्यक्तित्व नहीं, बल्कि वो एक विचारधारा है, ये कहना था कुचामन के अतिरिक्त जिला कलेक्टर कमला अलारिया का, जो कि बाबा साहेब की 132वीं जयंती के मौके पर आयोजित जिला स्तरीय विचार गोष्ठी में उपस्थित जनसमुदाय को संबोधित कर रही थी। विचार गोष्ठी में जिले भर से अम्बेडकरवादी संगठनों से जुड़े वक्ता मौजूद रहे और सभी ने डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके सिद्धांतों के बारे में अपने संबोधन दिए। विचार गोष्ठी में एडीएम कमला अलारिया, तहसीलदार कुलदीप चौधरी, मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय, नगर परिषद सभापति आसिफ खान, नगर कांग्रेस अध्यक्ष सुरेंद्र सारस्वत, पूर्व प्रधान कैलाश मेघवाल मंचासीन रहे। वहीं शहर के राजनीतिज्ञ, सामाजिक, धार्मिक और विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रबुद्ध जन मौजूद रहे। एडीएम कमला अलारिया ने अपने संबोधन में कहा कि बाबा साहेब सूर्य से भी तेज चमकने वाले ब्रह्मांड के वो नक्षत्र हैं जो पूरी दुनिया को ज्ञान और समानता की रोशनी दे रहे हैं। वहीं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जगदीश राय ने अपने संबोधन में कहा कि पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग, वंचित वर्ग और शोषित वर्ग के नाम से हमें पहचान मिली, लेकिन पिछले 3-4 साल में जो जागरूकता आई उससे ये वर्ग अपने हक और अधिकार को लेना जान गया। आयोजन के दौरान उपसभापति हेमराज चावला ने एडीएम कमला अलारिया, सभापति आसिफ खान सहित मंचासीन लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जुड़ी पुस्तक भेंट की। पात्र है कि आज की रैली ने यह सिद्ध कर दिया है कि इस कुचामन ब्लॉक या कुचामन उपखंड या कुचामन शहरी क्षेत्र जिसको लें, इसके अंदर भीम सैनी किया, ये कहीं अंबेडकरवादी वो लोग हैं जो समय आने पर अपनी ताकत दिखाने का मादा रखते हैं, और वो ताकत आज आप लोगों ने निश्चित रूप से दिखा दी। कमी नहीं थी, हम बहुत थे, हमेशा थे, हमारे में वो भी कमी नहीं थी, हमारे आगे निकले हुए भी बहुत थे। आवश्यकता इस बात की थी कि कोई आगे चलने वाला हो, कोई रास्ता बताने वाला हो, और विगत 3-4 वर्षों से जो परिवर्तन हुआ है, ये जयंती को मनाने के लिए एकजुट हुए हैं। बहुत दूर दराज से आप आए हैं, जैसा कि मेरी बात हो रही थी सीधे साहब से, तो फिर जो है 8 बजे से, और ये रैली, जैसा कि रैली नहीं, एक रैला के रूप में आप लोग इकट्ठे हुए हो, तो एक पैदल मार्च करते हुए यहाँ तक आप आए हो, तो निस्संदेह आपकी भावना कितनी प्रबल होगी इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। और सिर्फ आज ही क्यों, आज के दिन के लिए हो सकता है कि आप पिछले कई दिनों से तैयारियां कर रहे हों, कई दिनों से विचार मंथन कर रहे हों, कई दिनों से लोगों से संपर्क कर रहे हों कि कहां कहां से हमें लोगों से संपर्क करना है, कहां कहां से अपने लोग बैठे हैं, किस कोने में बैठे हैं, उनको बुला बुला के आमंत्रित करना है, तो ये चीज़ जो है ये बहुत मेहनत लगती है। मुझे पता है कि लोगों को एक साथ एकजुट करके एक मंच पर लाने में कितनी मेहनत लगती है, और वो मेहनत आपने की है, ये आज दिख रहा है। चूँकि बाबा साहेब, मैं तो ये कहूँगी कि कोई व्यक्तित्व नहीं थे, कोई व्यक्ति नहीं थे, वो एक विचारधारा थे, और विचारधारा है वो, एक ऐसा नक्षत्र थे जो आज पूरे ब्रह्मांड में सूर्य बनकर